हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास टेंथ से जो आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा। फ्रेंड्स, आपने देखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो जो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स करा दीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स करा दीजिए। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सारे पार्ट्स वन बाय वन आपको डालता जाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि कोई भी दो नंबर है जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि एक बड़ा है एक छोटा है, और बड़े में से अगर छोटे नंबर को माइनस करें तो 26 आएगा, दोनों का डिफरेंस है 26, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो सीधी सी बात है बड़ा नंबर जो होगा वही 3 टाइम्स होगा छोटे का, ठीक है। फाइंड देम, उनको फाइंड कीजिए, नंबरों को फाइंड कीजिए। अब फ्रेंड्स मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में तो करीब 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिनमें पूछा कुछ और जाएगा और लेट कुछ और किया जाएगा, लेकिन 95 क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है उसी को लेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, वो जो 2-4 क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूंगा किस टाइप के होते हैं, इनमें कुछ और लेट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द टू नंबर्स, जो उसने नंबर्स आपसे बोले हैं निकालने के लिए उन्हें आप कुछ मान लीजिए, और मैं उन्हें एक्स और वाई मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, मैंने उन दोनों नंबरों को एक्स और वाई मान लिया। आप कहेंगे आगे क्या लिखा है एंड। अच्छा एक बात बताइए, आप दो नंबरों का डिफरेंस है, क्या आपको पता है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता। तो अगर मैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिखता हूँ तो भी सही है, इसका मतलब एक्स बड़ा मान लिया इसमें मैंने। लेकिन इसमें यह भी तो कंडीशन बन सकती है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, क्योंकि अगर वाई बड़ा हुआ तो वाई में से एक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन बनाने से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एंड लगा के ये भी लेट कर सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हमने लेट में ही ये स्टेटमेंट डाल दिया, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एक्स वाई से बड़ा है, मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एस, जब जैसे ही मैंने ये माना कि एक्स वाई से बड़ा है, तो अब मेरे पास दो की जगह एक ही इक्वेशन बनेगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, हमें फालतू में 3-3 इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे कि देखिए, जब मैंने मान लिया कि एक्स वाई से बड़ा है ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब मैंने मान लिया कि एक्स वाई से बड़ा है तो भैया एक्स में से वाई माइनस होगा, वाई में से एक्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमने मान लिया है एक्स पहले ही बड़ा है वाई से, ठीक है। अब बंदे ने क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर यानी कि दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, तो हम यहाँ पे पहली इक्वेशन बनाएंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्यों, बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा, ठीक है, और बड़ा एक्स है, हमने मान लेट कर लिया। अब आगे इस बात समझ में, अगर आप इसे लेट नहीं करोगे तो आपको दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसी से, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ठीक है। चलिए, अब दूसरा कह रहा है कि एक नंबर, वन नंबर, ये तो पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बनानी है अब, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू 3y होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब आपको 3 का मल्टीप्लाई वाई में करना पड़ेगा। देखो वाई की जगह 1 रख के देखो, वाई की जगह 1, एक्स कितना आएगा 3, 3 वन 3, एक्स बड़ा आ रहा है ना, एक्स 3 आ रहा है कब, जब वाई की जगह 1 रखा है, यानी कि एक्स जो है 3 टाइम्स आ रहा है, बड़ा आए है, तो हम इसीलिए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे एक्स इज इक्वल टू 3y, ना कि वाई इज इक्वल टू 3x, ना हम बनाएंगे x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। और अगर आप वहां पे ये चीज लेट नहीं करते तो दिक्कत होती, फिर इसमें भी 2 बन जाती, y इज इक्वल टू 3x भी बन जाती, ठीक, इसीलिए। तो चलिए, अब जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से इन्हें करा देता हूँ सॉल्व। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए फ्रेंड्स, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अच्छा, आपको एक बात और बतानी थी कि जब तक मेथड में मेंशन ना करें कि किस मेथड से करना है, तब तक आपकी खुद की मर्जी होती है, पहली बात। दूसरी बात, वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी 100% वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी ये लिख के नहीं आएगा कि आपको इस मेथड से करना है, आपकी खुद की मर्जी है, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, सही है। चलिए, पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, दूसरी इक्वेशन अगर मैं इसी की तरह बनाऊँ तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0 बनेगी, क्यों, 3y इधर आके ट्रांसपोज होके माइनस का हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। देखिए फ्रेंड्स,
एलिमिनेशन मेथड मैंने बहुत अच्छे सिखा रखा है, मैंने सारे मेथड सिखा रखे हैं, मैंने सारी वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारे सिखा रखे हैं मैंने। मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, हो गए, लेकिन साइन इनके अपोजिट होने चाहिए, दोनों के सेम है, अपोजिट करो। चलिए, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, माइनस के वाई और प्लस के थ्री वाई, प्लस के टू वाई बचे, और यहाँ से 26 में से जीरो गया तो 26 बचा, तो फ्रेंड्स वाई की वैल्यू आ गई 13, टू से डिवाइड हो जाएगा, सही है। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, एक वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, या सेकंड में भी रख सकते हैं, चलिए सेकंड में ही रख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर तो भी आ जाएगा, ठीक है, रख किसी में भी सकते हैं, ध्यान रखना। वाई की वैल्यू आ गई 13, उसको मैंने पुट कर दी सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई है, थ्री वाई, वाई की वैल्यू 13 है, यहाँ रख दीजिए 3 × 13, तो एक्स आ गया फ्रेंड्स 39, और ये यहाँ पे वाई आ गया 13। थोड़ा सा आंसर्स को ब्रैकेट में लिखाया करिए ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखाई दे क्या है, उसके बाद भी अभी आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आप लिखेंगे देयर फोर द टू नंबर्स आर, पूरा पूरा लिख के आइए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके, 13 and 39, या 39 and 13 कुछ भी लिख सकते हैं, ये दो नंबर है। तो फ्रेंड्स इनके मैं आपको सारे पार्ट्स जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँगा, आप सारी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू।